नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र के दूसरे दिन किस चीज़ को चढ़ा देने से हमारे और हमारे परिवार के लोगों को जो है लंबी उम्र मिलती है। तो चलिए जानते हैं। नवरात्र का जो दूसरा दिन होता है वो माता ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी जो होती हैं वो हमें लंबी आयु प्रदान करने वाली होती हैं, हमें जो है ज्ञान का प्रदान करने वाली होती है। यानी माता ब्रह्मचारिणी की जब हम पूजा करते हैं तो इससे क्या है कि जो हमारी ज्ञान है उसमें वृद्धि होती है। जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं या हम खुद, हमें जो है एक लंबी आयु मिलती है, हमें एक स्वस्थ जीवन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी माता ब्रह्मचारिणी जी को ऐसी चीज़ चढ़ाने को और कैसे उनकी पूजा करनी है इस बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि नवरात्र के दूसरे दिन हमें जो है पीले या सफ़ेद रंग की वस्त्र पहननी है, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र अति प्रिय होते हैं। तो इस दोनों कलर में से जो भी है आपके पास उस रंग का वस्त्र पहन लीजिए। और इस वस्त्र को पहनने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे प्रतिदिन हम नवरात्र में माता की पूजा करते हैं वैसे ही हमें उनकी विधिपूर्वक पूजा करनी है। यदि हम पाठ करते हैं तो अपना पाठ संपूर्ण कर लें, चालीसा पढ़ते हैं तो चालीसा पढ़ लें। और इसके बाद जब हम उन्हें भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के समय हमें क्या करना है कि हमें दूध की मिठाई या शक्कर का भोग लगाना है। ये ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद दूसरे दिन जब माता का भोग लगाएं तो उन्हें दूध की मिठाई चढ़ाएं या शक्कर। अगर दूध की मिठाई ना भी हो तो चलेगा, कम से कम शक्कर अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि शक्कर जो है माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय प्रसाद है और इसको ज़रूर चढ़ाएं आप। और चढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, चढ़ाने के बाद आप आरती कर लीजिए। और जब आप इस प्रसाद को उठाएँ तो इसको क्या करना है कि प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को खिला दें, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी जी को जब शक्कर का प्रसाद होता है वह काफ़ी प्रभावशाली होता है। जो भी इसको ग्रहण करता है उसे एक लंबी आयु प्राप्त होती है, उसे एक स्वस्थ जीवन और उसकी ज्ञान जो है बढ़ जाता है, उसे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो हमें दूसरे दिन पूजा जैसे हम दैनिक करते हैं वैसे करना है, पीले या सफ़ेद वस्त्र को पहनकर और शक्कर का भोग अवश्य लगाना है और इसको पूरे परिवार के सदस्यों को खिलाना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या है कि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से हमें लंबी आयु और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी उम्र जो है बढ़ जाती है और उनकी ज्ञान भी बढ़ जाती है। तो हमें दूसरे दिन इसको करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।